हाय फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं शेंगदाना मतलब मूंगफली की आमटी। जब घर में कोई भी सब्जी ना हो तो आप ये झटपट कम इंग्रेडिएंट में ये सब्जी बना सकते हैं, खाने में भी मजेदार है। इसलिए मैंने हाफ कटोरी शेंगदाना लिया है, मूंगफली लेना है और इसको मिक्सी में पानी डाल के ऐसे ही भुना हुआ नहीं है, कच्चा ही लिया है, इसमें पानी डाल के हमें इसका पेस्ट बना लेना है। हमने मूंगफली का पानी डाल के पेस्ट बना लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल डाल के बनाना शुरू करते हैं। हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, इसको तड़कने देंगे। फिर इसमें लहसुन डालेंगे, पतला पतला लंबा कटा हुआ लहसुन डालेंगे। कड़ी पत्ता, प्याज डालना है, छोटा कटा हुआ लंबा कटा हुआ प्याज डालना है, एक छोटा प्याज लिया है। इसको हम लाल होने तक भूनेंगे। हमारा प्याज हो गया है, अब हम हरी मिर्च डालेंगे। एक कटी हुई लंबी कटी हुई हरी मिर्च है, फिर उसमें पतला लंबा कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने देना है, गलाना नहीं है पूरा। फिर उसके बाद उसमें हम थोड़ा हींग डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी टी स्पून हल्दी डालेंगे, एक टीस्पून धना पाउडर डालेंगे और अब हम इस पे हमारी मूंगफली की पेस्ट डाल देंगे। मूंगफली की पेस्ट डाल दी है और उसमें पानी भी मिला दिया है। अगर आधा कटोरी मूंगफली है तो 1.5 कटोरी पानी डालना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसको 1-2 उबाल आने तक ही पकने देना है। आप देख सकते हैं हमारी आमटी में उबाल आ गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। 2-3 उबाल आने तक ही पकने देना है। तैयार है हमारी मूंगफली की करी या आमटी। उस पे मैंने ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिया है। ये इंस्टेंट बनने वाली आमटी है, आप कभी भी बना सकते हैं और कम इंग्रेडिएंट में बनने वाली आमटी है ये। आप चावल के साथ, बाजरे की रोटी या फिर ज्वार की रोटी के साथ खा सकते हैं।